हमको जो बेसिकली पनिशमेंट मिली वो ये थी कि हम दोनों को पूरा टाइम हमको साथ में रहना था, चाहे कोई भी एरिया हो हमको साथ में ही रहना है, हम उन हैंडकफ्स को नहीं उतार सकते हैं। एटलीस्ट मेरी बियर्ड तो एक ऐसी चीज थी कि जो किसी के पास नहीं है, मेरी मुस्तैच मुस्तैच बाबा, बिकॉज अर्लियर मेरे हिसाब से इंटीमेसी वाज नॉट द फैक्टर, बट नाउ आई कम टू नो दिस बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इट्स अ फैक्टर। जो विशाखा ने आंसर्स दिए, एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एक लैक ऑफ टच तो है ही है, बिकॉज मेरे को इट्स बीन 7 months मुंबई शिफ्ट हुए, तो कहीं ना कहीं वो एक मेन सबसे बड़ा फैक्टर था। वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर एंड लाइक टू वर्क ओवर आवर इश्यूज, एटलीस्ट वी कैन, इट्स ओके, इट्स नॉट लाइक नथिंग, इट्स जस्ट नॉर्मल चीज है, ठीक है। अरे नहीं Obviously, एक पार्टनर के लिए बहुत इंसल्टिंग होता है कि उसका पार्टनर उसे फिजिकली नहीं पहचान पाता, एंड सीरियसली आई फेल्ट वेरी सॉरी कि मैंने उसको सबके सामने थोड़ा इंसल्ट किया। डू यू हैव ट्रस्ट ऑन मी? डू हैव? वी विल डू दैट इन लव एग्जाम। आर यू लिसनिंग टू मी? आई विल प्रूव उपेन एंड करिश्मा दैट वी आर हैविंग दैट इंटीमेसी, वेदर इट्स गोना बी फिजिकल, वेदर इट्स गोना बी मेंटल, ठीक है? शुरू ना मत करो। जब पैर पहचानने की बात आई दीपेश के, तो नॉर्मली हमको पहले ये बताया गया था कि कोई भी अगर कुछ भी छोटा मोटा एक्शन करता दिख गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मैंने ये चीज तो खुद देखी है कि उसके पैर थे ना ऐसे, उसके पैर ऐसे थे, ये चीज मैं खुद कह सकता हूँ, देखी है चीज के पैर ऐसे हो गए। क्योंकि अभी पता क्या होने वाले, आने वाले किसी भी दिन में ये सारे हमारे खिलाफ होने वाले फ्लिप करेंगे। चलो तैयार हो यार, तैयार तो हो जाएंगे, तैयार होंगे कैसे, मतलब कैसे कैसे पहनेंगे? लेट्स गो टू वॉशरूम। मैं ऐसे खड़े रहूंगी, ठीक है? तुम फ्रेश हो लेना, कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हुई और हमारी इंटीमेसी भी इम्प्रूव हुई। अब हमें बिल्कुल आइडिया था कि अब कोई एग्जाम होने वाला है, क्या एग्जाम है ये हमें आइडिया नहीं था। जब हम दोनों लोकेशन पे पहुंचे, वहां पे ये डंडे लगे पड़े हैं, ये टायर लगे पड़े हैं, ये भाई साहब रस्सियां इधर से उधर से उधर, मैंने कहा आज तो ये मुझे वैसे ही बंदर बोलती है, आज यहाँ पे बंदर बन के बनना पड़ेगा, पता नहीं क्या होने वाला है। वेलकम टू एंगेज योर स्प्रेज एमटीवी लव स्कूल गाइस। एग्जाम देने के लिए रेडी हो आप लोग? यस। करू, हमने भी काफी एग्जाम्स दे चुके हैं हमारी रिलेशनशिप में। ऑफ कोर्स दे चुके हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि आसानी से इन्फैटुएशन होता है, प्यार के लिए एग्जाम देनी पड़ती है। तो आज का सब्जेक्ट है इंटिमेसी और आज का लव एग्जाम है एंगेज हैंग बाय माय साइड। हैंग बाय माय साइड, हैंग बाय माय साइड, करेक्ट। मैं तो बहुत बुरी वाली हालत हो रही थी, मैं तो देख देख के सोच रही थी क्या होने वाला है, क्या होने वाला, क्योंकि मैं कभी भी लकड़ी वाली सीढ़ी तक नहीं चढ़ पाती, मुझे इतनी प्रॉब्लम है हाइट से, हाइट फोबिया है मुझे, बहुत ज्यादा डर लग रहा था मुझे। इस एग्जाम में 3 पड़ाव होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ऑन योर लेफ्ट। पहला पड़ाव होगा जहाँ लड़का वो रोप पकड़ेगा और लड़की लड़के को पकड़ के रोप क्रॉस करेंगे। सिंगल रोप पे वो भी 2 लोग चल रहे हैं, लोगों में से कोई भी एक गिर सकता था, जो हम अगर गिर जाते तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाते। सेकंड पड़ाव में लड़कियां पहले होंगी लड़कों से, और आप लोग रोप पकड़ सकते हो, लड़के भी रोप पकड़ सकते हैं, पर लड़कियां हैव टू बी इन फ्रंट। या थर्ड पड़ाव जब आप आएंगे, जैसे आपका पैर रोप पे आएगा, लड़कियां वापस रोप नहीं पकड़ सकती है, इट हैज टू बी गाइज रोप पकड़ेंगे एंड लड़कियों को उनको पकड़ के थर्ड पड़ाव क्रॉस करना है। यस, अगर आप गिर गए तो आप डिस्क्वालीफाई। जिसको लोएस्ट स्कोर्स हमने असाइनमेंट में मिला वो फर्स्ट आएंगे। नर्वसनेस तो डेफिनेटली थी, बिकॉज अभी तक किसी ने कुछ परफॉर्म नहीं किया था, तो हमें कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे, बट कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट भी था कि हम लोगों को प्रूफ करने का चांस मिला था कि वी आर द बेस्ट।
ठीक है, इस बार क्या कहते थोड़ी कुछ गलतियाँ हुई जिसकी वजह से मैं बॉटम में आया, बट इस टास्क को प्रूव करके मैं शो कर दूंगा कि आई एम हैविंग दैट स्टफ इन मी। इशाक, अंकित, आर यू रेडी? यस, वी आर रेडी। कपल्स, आर यू रेडी? यस। पहले टास्क में तो सिर्फ हमको हाथ से पकड़ के रस्सी के थ्रू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना था। द टाइम बिगिंस नाउ। गाइस, मॉनिकेस, मैंने रोप पे पैर रखा एंड इट वाज लाइक डिंग डिंग डिंग, आई वाज नर्वस। मेरे को लग नहीं रहा था कि वो कर पाएंगे क्योंकि विशाखा थोड़ी हैवी है, गिर जाएंगे बीच में ही। या ऑब्वियसली यू आर आई एम ओके विद दिस। मैंने इस पे ट्रस्ट किया, इसको बहुत टाइट होल्ड किया, दोनों हाथ से पकड़ के रखो अच्छी तरह से क्योंकि वही आपका सिर है। वहां पे मैंने इसको कम्युनिकेशन के थ्रू बताया कि आप स्लोली स्लोली आओ, डोंट वरी, बैलेंस वर्क। जहां तक है मुझे उन्हें देख के लग रहा था कि यार ये ज्यादा ना थोड़ा ओवर एक्टिंग ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, आर यू ओके? ऐसा लग रहा है जैसे दो साल में उन्होंने कुछ प्यार ही नहीं करा और सारा उसी टास्क में दिखा रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे उन्हें। वेल डन गाइस, गो बेबी, ट्राई बी फास्टर, थोड़ा सा कोशिश करो। It's okay, Vishakha. Balance. Okay? Perfect. Just focus on my strength, baby. Yes, I'm focused. You know I will not let you down. Yeah. Come on, go for it. Ankit, ye hui na baat. Come on. Yeah. Time move fast. Come on. हमारा बैलेंसिंग हुआ बट मैंने इसको नहीं छोड़ा, सो बिकॉज ऑफ दैट वी कंप्लीटेड वेरी वेल। वेल डन गाइस, वेल डन। रणका और अभिषेक, मुझे अभिषेक पे पूरा ट्रस्ट है कि पूरा रोप कंप्लीट हो जाएगा। आर यू रेडी? मेरे लिए तो बहुत इजी था, मैं बचपन से खेलता हुआ आ रहा हूँ, तो अगर आप इसकी जगह ऊपर भी रोप लगा दोगे मैं तो वहाँ भी कर दूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। Come on guys, Abhishek, I wanna hear you. Whoa. मैंने इसे होल्ड किया, उस टाइम मुझे इतना डर लग रहा था, ये हिल रही थी बार बार, नहीं यार इतना पतला सा रोप है। आराम से वेरोनिका, होल्ड ऑन आराम से, मेरे को देखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है यार। जैसे ही हमारा फर्स्ट सेक्शन खत्म होता तब मैंने देखा यार इतने थिन से रोप पे हम लोग चल के आ गए हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाता है कि यार जब तुम इतना पतले पे कर सकते हो तो आगे भी ऑब्वियसली कर ही लोगे। अभिषेक ने जिस तरह वेरोनिका को हैंडल करा वो बहुत अच्छा था, एंड हाँ अभिषेक टास्क अच्छे करता है, ही इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एक्चुअली। यस,
ले। चल पहुंच गई। फटाफट फटाफट सारे टायर सारे टायरों को कूद के हमने सब में टायरों में पंचर लगा दिए और हम ऊपर अपना टास्क खत्म कर दिया। हम इतने कंफ्यूज हो गए थे उस टाइम कि ओ शिट ये एक कैसे कंप्लीट होगा और हम एंड तक कैसे पहुंचेंगे। हम लोग की अभी तक यही स्ट्रेटजी है कि तुषार रोप पकड़ेंगे, आई विल होल्ड हिम एंड सिर्फ हमें ये है कि वी हैव टू बी टुगेदर। उनका तो मुझे पता है भाई ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि करिश्मा वैसी ओवरवेट है, उसकी हाइट भी इतनी है, वेट भी ऐसा है कि यहाँ से ही भार है वहाँ से ही भार है। मेरा पूरा बॉडी वेट पीछे था एंड सिर्फ जो मेरे पैर थे वो उस रोप के ऊपर टिके हुए थे। तुषार पूरा नीचे आ चुका था, मुझे लगा था अब तो ये गए। दोनों पैर लेके वो नीचे लटक गया, जैसे आप लटका देते हैं ना किसी को फांसी पे। ये था कि करिश्मा यू हैव द रोप, हम दोनों के लिए उस रोप को इतना जोर से नीचे पुल करना है कि तुषार अपने पैर उसके ऊपर टिका सके। आराम से आओ, खड़ी हो जाओ। बंदी ने क्या ताकत दिखाई, मैं तो कह रहा हूँ बंदे को शेम है बंदे के ऊपर, बंदा कुछ भी नहीं कर पाया। बट करिश्मा ने अपने पूरे पैर की जान तक मतलब अपनी पूरी ताकत से उसको उठाया और वो ऊपर आ गए। वो दो बार गिरने के बावजूद दोबारा अपने आप को उठाया एंड वो चले हैं, उस टास्क को पूरा कंप्लीट किया है। थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले थे क्योंकि वो सिमिलरली फर्स्ट पार्ट की तरह था जहाँ पे हम दो बार गिर चुके थे और वो उससे भी मुश्किल था, उसके बीच में टायर्स भी थे और हमें एक रोप पे चलना था और करिश्मा अपना हाथ नहीं लगा सकती थी रोप। तुषार ने झूठ ये बोला कि उसको यहाँ पे चोट टास्क के टाइम लगी, वो उसको आइस वाले टास्क के टाइम लगी थी और वो अभी तक चल रही थी। या एक्चुअली वो जब गिर गई थी मेरे को इतना अच्छा लग रहा, अगर ख्वाब दीपेश वहाँ पे गिरते तो वो मुझे नहीं लगता कि वो ऊपर आ पाते। यहाँ पर मैं कोई अपनी बॉडी दिखाने और अपनी जान दिखाने नहीं आया हूँ। अभी तक लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे खाली अपने बगल वाले की चिंता करनी है, दूसरों के बगल वालों की चिंता नहीं करनी। सी हाइट से मुझे बहुत डर लगता है। द मोमेंट आई केप्ट फीट मुझे पता था कि इसको हाइट से बहुत ज्यादा फोबिया है। दीपेश कॉन्फिडेंट था कि वो कर लेगा, मुझे ये लग रहा था कि मैं उसको गिरा दूँ। Okay guys, are you ready, Dipesh, Khwab? Yeah. Yes? Yes. Put your leg. Khwab, aram se agar karega, aram se hoga. Agar Khwab ka body control mere pe proper rahega, to main usko speed up kar paunga. Wow, you can do it. Bahut badhiya. Bahut badhiya kya hai. Tez pakad usko. जिससे हमें होल्ड करने का पावर दिया गया था वो चीज़ मेरी पकड़ने वाली रोप के साथ अटक गई थी, कहीं मैं एक हाथ छोड़ के उसको निकालने की कोशिश करूं और ऐसा ना हो कि मैं अपने पार्टनर को लूज कर दूं। आप लोगों को दूसरे कपल से बेहतर करना है, लूजिंग टाइम।
हम दोनों की हाइट छोटी है, वो जो टायर जिस डिस्टेंस पे लगाए हुए थे, जो लोग लंबे थे उन्होंने तो टायर से बड़े बड़े लेग स्प्रेड करके उसको फटाफट से पार कर लिया। बहुत ज्यादा मैं डर गया था। मुझे होल्ड करो, आ गया। सके तो उम्र भर थम जा। अच्छा था बहुत गुड। जहाँ तक मुझे पता है मुझे टेक्निक्स आती हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी इसे बताने की कि हाँ कैसे टेक्निक है। बस मुझे ये है कि हाँ ये सुनेगा मेरी बात और पूरे कोशिश करेंगे अच्छा करने की। मैंने कहा मैडी मैं नहीं कर पाऊंगी, बट मुझे कहीं ना कहीं था कि अगर मैंने नहीं किया ना तो इसकी कहीं ना कहीं इंसल्ट हो जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए मैं मन में सोच रही थी कि मैं करूंगी, चाहे मैं हार जाऊं बट मैं करूंगी जरूर। हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, हमको हाँ। कहीं किसी चीज का डर नहीं है ना, हम इस चीज की सिंपैथी खाना चाहते कि मेरे को हाइट से फोबिया है, मेरे को पानी से फोबिया है, या हमको चोटें लगी हुई हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आकांक्षा हेल्प गौरव communicate. Yes, good. Come. Yeah. Come. Yeah. Akanksha, ये task आपको दोनों साथ में करना है। आप ऐसे नहीं भाग सकते, आपको दिखाना है कि आप अपने partner साथ। You have to perform as a team. हाँ, तो अपने आपका partner क्यों आया है साथ में? ये बात, आई है मेरी जान। ये बात। बच्चे मुझे आंखें बंद कर रही थी, आंखें बंद कर रही थी, डर लग रहा था। इसका रोप पे पैर नहीं गया। नीचे देख। वो एक पैर उसका नीचे चला गया था, तो वो मैं उसको बार बार बोल रहा था कि तू मेरे को हग कर, कोई बात नहीं, डर मत। Just miss the rope. Oh my God. Okay, done. Last one. डर जा. My back पे problem है, यहाँ bumps पे problem है, legs में। लेकिन हमें वो फील नहीं हुआ था उस टाइम जब हम परफॉर्म कर रहे थे। परफॉर्मेंस देते टाइम हमें कभी पेन फील होता है? बातें कुछ अनकही सी, कुछ अनसुनी सी होने लगी, काबू दिल पे रहा ना, हस्ती हमारी खोने लगी। आप लोग मुझे बताइए लाइफ में ऐसा एज अ कपल कितनी बार किया होगा आप लोगों ने? पहली बार। सो इस टास्क ने आपको बता दिया होगा कि आप लोग कितने मेड फॉर ईच अदर कपल हो। यस। वो तो नहीं पता, मगर डेफिनेटली गाइस तो एंजॉय किया। चिपक के टास्क किया आप लोगों ने। हाँ, व्हाट डू थिंक, मजा आया? बहुत मजा आया। एंड आई थिंक आप सब लोग ने अच्छा किया। ऑब्वियसली कुछ लोग के लिए मुश्किल था, कुछ और लोग के लिए आसान था, बट ये सब्जेक्ट था इंटिमेसी। बट आई थिंक यू डिड वेल, सो यू डिड राउंड ऑफ अप्लॉज।
एंड इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जजमेंट नाइट। तुषार को बहुत ज्यादा लग गई थी चोट क्योंकि उनका पूरा स्किन उतर गया था ऊपर से, तो जैसे ही डॉक्टर आए उन्होंने उनको हील करना स्टार्ट किया उनके वुंड को, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं तुषार के पास आके उस चीज को फूक मार देती हूँ तो उनको थोड़ा रिलीफ फील होगा। तो जब मैं ऐसा करने के लिए आई थी तो तुषार ने बहुत बुरे से मेरे पे शाउट किया। फॉर मोस्ट ऑफ द कपल्स द टास्क ब्रॉट देम क्लोज both emotionally and physically. Magar for Tushar aur Karishma, exam ke dauran hui ek choti argument was about to turn into a nasty fight. Aur tez, tum aaj sara rona nikal hi do. Banda kuch bolta nahi, iska matlab ye thodi na. Kuch nahi bolte ho kabhi. Kya? Duniya ke samne tum mujhe hamesha incite karte ho, tum kuch nahi bolte ho kabhi. Kaise? 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 रूम में आई है ना, जस्ट बर्स्ट, मैंने पूरा वो जो पूरा था उसको बर्स्ट आउट कर दिया इनके ऊपर। मैं उसको पकड़ना चाहता था, तुम्हारा हाथ मैंने झटका और मैंने कहा अभी रुक जाओ, अभी दर्द होगी मुझे। तुमने नहीं मानती अपनी गलती कभी। Always I am wrong. Why should I listen इतने सब रोई रुआ सबके लोगों के सामने मैं क्यों सुनूं हमेशा? जब से कुछ चिल्लाते रहती हूँ, जब से कुछ चिल्लाते रहती हूँ। मैं इसको पता है कहाँ चिल्लाता हूँ मैं। करिश्मा तुषार के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, वो उस बात को बहाना किसी और चीज़ में बना रहा था, बट उसका बहाना सिर्फ जो मेन था ये था वो एग्जाम में हार गए थे, इसलिए कहते हैं मूड स्विंग करते हैं, वो दोनों ही ने अपना मूड स्विंग किया। कहीं भी बैठ जाता हूँ तुम रोने लग जाती हो कि ये हरकतें कर रहा है। मैं अंदर से भरा बैठा हुआ था, मुझे अपना गुस्सा उतारना था। तुम्हें तमाशा बनाना है कि तुषार ऐसे रहे, मैं लवी डवी नहीं बन सकता, जो मेरे अंदर से प्यार आता है आता है, ठीक है? मैं चिपके गो फ्रॉम हियर। समझ में आई तुम्हारी? तुमने नहीं एक्सेप्ट करनी। नहीं करूंगा आज मैं, उस दिन मैंने की, नहीं करूंगा मैं। गो बोल सर। करिश्मा और तुषार की एंग्री फाइट शॉक्ड रेस्ट ऑफ द कपल्स, मगर उन्हें पता नहीं था दैट दे वर अबाउट टू फेस एन इवन मोर शॉकिंग जजमेंट नाइट। द गाइस, आज है जजमेंट नाइट। आप लोगों की सीट पर कुछ क्यू कार्ड्स रखे हैं। सबके पास क्यू कार्ड्स हैं? यस। नहीं, मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं। हाँ, सो गौरव, क्या लिखा है आपके क्यू कार्ड पे? सर, इसमें लिखा है आई हेट डैश अबाउट आकांक्षा। आकांक्षा, आपका कार्ड पे क्या लिखा है? सेम, आई हेट डैश अबाउट गौरव। ओके, सो गाइस, फिल आउट योर क्यू कार्ड्स। हेट इज अ वेरी स्ट्रांग टर्म इन अ रिलेशनशिप। अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है आपकी रिलेशनशिप में, सो दैट्स नॉट हेट। ओके गाइस, पेंस डाउन इफ यू आर डन। हम चाहते हैं कि आप एक एक करके अपने क्यू कार्ड्स पढ़े। चलो अभिषेक। आई हेट व्हेन शी लाफ व्हेन आई एम टॉकिंग टू हर सीरियसली एंड एवरी टाइम व्हेन शी टेल्स एवरीवन दैट आई एम नॉट पोसेसिव। अभिषेक, डेफ आप पोसेसिव हो, आप विवेक के बारे में बहुत केयर करते हो, डेफिनेटली आई नो दैट फॉर फैक्ट, क्योंकि हमने आपको एक एक्सट्रीम सिचुएशन में डाला एंड योर रिएक्शन वॉज लाइक एनी अदर बॉयफ्रेंड। मसाज दे रहे? मैंने मसाज क्या बोला? डू आई आस्क यू फॉर फुट मसाज? मसाज का क्या मतलब होता है?
नेक्स्ट मैडी एंड सिल्की. मैं जो इसके अंदर हेट करती हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं ये रिस्पेक्ट नहीं करता बिल्कुल भी किसी के सामने भी, मैं रिस्पेक्ट नहीं करता ये. कुत्ता थोड़ी तेरा, साला पट्टा बंद घुमा ले मुझे. सर सबके सामने मेरे इंसल्ट करता है, सब खड़े मैं बोल रहा चुप हो रहा. अगर ये मुझे बोल दे कि तू चुप हो रहा तो मैं वहाँ पे चुप हो जाती हूँ, और अगर मैं इसको बोलूँ तो चुप हो रहा कि किसी के सामने मेरे रिस्पेक्ट नहीं करता ये. मैडी आप अपना बताइए प्लीज. मेरा सिर्फ इतना सा इशू है इससे छोटा सा कि ये बहुत ज़्यादा ओवरपोजिटिव है हर चीज़ को लेके, एक छोटी से लेके बड़ी चीज़ को लेके उसको ये फाइट में ले आती है और उस फाइट से ये ब्रेकअप तक पहुँच जाती है. सिल्की मैम इसको पता है कि मैं खुद नहीं ब्रेकअप कर सकती, ये तो फिर कर लेगा, मैं तो उससे ब्रेकअप कर ही नहीं सकती. व्हाई डू यू से दैट, इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू से. इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप यू आर इन अ डैम रिलेशनशिप. करिश्मा क्या लिखा आपने? आई हेट तुषार्स एंगर एंड शाउटिंग ऑन मी. मैंने तुषार को एक बात बोली है कि अगर आपको कोई भी बात करनी है कितनी भी बड़ी बात हो, कम टॉक टू मी सॉफ्टली, टॉक टू मी पोलाइटली, वो चीज़ मैं समझूंगी. अगर आप गुस्से में कोई चीज़ समझाओगे वो मेरे को समझ ही नहीं आएगी. जब आप वापस अपने रूम में गए आप दोनों, क्या हुआ? You were crying or you were shouting at Tushar? I did both of them. क्योंकि उस टाइम पे even I felt very angry on him. Ankit. The thing which I hate in Vishakha is she is not giving me that time which I needed from her. Problem is this ki मैं किसी को 24 hours time तो नहीं दे सकती. मैं एक normal human being हूँ. मैं कोई एक किसी नहीं हूं, आई एम अ बॉयफ्रेंड. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि मेरी भी एक अपनी पर्सनल स्पेस है. अगर मैं किसी से बात कर रही हूं तो दैट डजंट मीन कि 24/7 मैं आपके साथ ही रह सकती हूं. विशाखा आपने बताया कि अंकित बहुत गुस्सा हो जाता है और अपसेट हुआ क्योंकि गौरव ने कुछ प्लेलिस्ट मांगा आपसे एंड उसने टेबल भी तोड़ा. उसने तोड़ा था ग्लास एंड प्लेलिस्ट का इशू भी था. सीरियसली इसको गौरव से है इशू. इनफैक्ट टेबल पे जो ग्लासेस होते हैं ही पुट इट लाइक दिस. मैं वहां पे जाती हूं उसको कलेक्ट करती हूं. आई जस्ट लव हिम, आई डोंट वांट हिम टू गेट हर्ट. आई एम इनसिक्योर रिगार्डिंग गौरव बाबा, बट रबिश यू बोथ गाइस आर टॉकिंग अबाउट. आई डू एडमिट द फैक्ट. यू नो व्हाट इट्स कॉल्ड अंकित? इट्स कॉल्ड इमोशनली ब्लैकमेलिंग द पर्सन. ठीक है, ये बहुत छोटा इश्यू है, ये छोटा जेलसी की इश्यू है. द मेन इश्यू इज अबाउट आपका जो एंगर होता है, जो उस छोटे इश्यूज पे आप कैसे रिएक्ट करते हो. एंड शी टोल्ड मी एग्जैक्टली हाउ यू हैव अ मेजर एंगर इश्यू. कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, इसी वजह से हमने तुषार और विशाखा को क्यू कार्ड्स नहीं दिए है. यू वॉन्ट टू नो रीजन वाई? बिकॉज वी बोथ नो कि आप लोग क्या लिखने वाले थे क्यू कार्ड्स पे. क्या लिखने वाले थे? एंगर इश्यूज, करेक्ट? अंकित करिश्मा आपके सामने बॉटल्स है और न्यूज़पेपर्स. प्लीज कम टू द टेबल, पिक अप अ बॉटल और न्यूज़पेपर. हम चाहते हैं जितना भी एंगर पेंट अप है उसे वेंट आउट करो इस बॉटल पे. वी वांट पीपल और योर पार्टनर्स टू अंडरस्टैंड कि आप क्या महसूस कर रहे हो. आई वांट टू शो देम व्हाट पेन, व्हाट एंगर यू आर पेंटिंग अप इन योर होल्डिंग. गो. आज सारा रोना निकाल ही दो. आपके सामने तो मुझे हमेशा इंसाइट करते हो, तुम कुछ नहीं बोलते हो कभी. मैं हूं ही ऐसा, पसंद हूं सही है, नहीं पसंद तो बोलूंगा. अब तुम खाना खाओगी, अब तुम चलोगी, अब तुम बैठोगी, अब तुम उठोगी. व्हाट द हेल इज दिस? मैं होता ही नहीं हूं कि तुम्हें सब कंट्रोल करना है.
मैसेज अंकित? पिक अप दिस न्यूज़पेपर, टेक आउट योर हर्ट एंड एंगर, थिंक ऑफ तुषार, थिंक ऑफ द सिचुएशन, तेरे साथ कैसे बात करता है? तमाशा बनाना है कि तुषार ऐसे रहे, मैं लवी डवी नहीं बन सकता। Come on, I just want to hug you. It feels better. It does feel better, right? Yeah. This is why. See, this is therapy. Ankit, do you feel better? और को ये करना है तुषार, यू वांट टू डू इट? कम ऑन तुषार, हर बारी तुम्हारी टोन लाउड होती है, मैं नहीं बोल सकती हूँ चार लोगों के सामने जोर से? मुझे एक डंडा चाहिए और एक पेड़ चाहिए। इतना गुस्सा? हाँ सर। क्यों? ऐसे ही मुझ पे खुद पे गुस्सा आता है कई बार। सर मैं नहीं चाहता किसी भी चीज में रोए, मुझे खुद पे गिल्ट फील होता है। तो व्हाट आर यू फीलिंग गिल्टी अबाउट? I don't know, कोई भी लड़ाई होती है रोने लग जाती है, तो I felt bad कि जैसे कि हमने इश्यूज पे काम करना स्टार्ट किया है, हमारे बीच में यही छोटी छोटी दिक्कतें हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। But I tell you one thing, अंकित, करिश्मा, विशाखा, तुषार, ये एक बहुत अच्छा स्टेप आपने किया। It takes a lot of guts to come here और to vent out your anger. और आप चारों ने एक्सेप्ट किया है कि एंगर इश्यू है, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये लव स्कूल है। आप चारों ने एक और कदम आगे ले चुके हो। अब वक्त है स्कोर्स का। अनफॉर्चुनेटली वन कपल हैज टू गो। ओके गाइस, आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है लेकिन मार्क्स कहाँ? कहाँ है मार्क्स? शायद आपको याद है लास्ट वीक विश्व ने बताया आपको कि एवरीबडी स्टार्ट्स अफ्रेश। यस मैडी सिल्की, स्टैंड अप। व्हाइल वी गेटिंग द मार्क्स जस्ट अंडर योर चेयर चेक, देयर समथिंग अंडर योर चेयर।
क्या लिखा है वहां पे? 1, 3 and 0. तो 1, 3, 0 लगा दो आपके नाम के पास. गौरव आकांक्षा आप अपनी सीट के नीचे देखिए क्या स्कोर्स है. इट्स 115. 115. स्कोर्स क्या है प्लीज? 140. करिश्मा एंड तुषार 135. ख्वाब दीपेश चेक योर सीट्स. No scores. No scores. एक असाइनमेंट था. इंगेज आइडेंटिफाई योर मेट. याद है दीपेश? ख्वाब. तो हमको कुछ कंप्लेंट्स मिले. हमने फुटेज चेक किया और उस फुटेज से वो लगा कि आप कुछ सिग्नल्स दे रहे थे. दो जगह पे लग रहा था कि आपने थोड़ा सा सिग्नल दिया. क्योंकि असाइनमेंट शुरू होने से पहले हमने बहुत क्लियरली कहा था कि जब हम कुछ भी आपको बोलेंगे बॉडी पार्ट सामने रखने के लिए आप उसे मूव नहीं करेंगे. हमें दो बार पता चला कि आपने जब दीपेश ने हाथ ऐसे रखा था और ख्वाब टच करी थी तो दीपेश ने ऐसा करा. अरे ये आदमी बहुत झूठा है. अभी इसने कहा था ना टास्क में कि इसको हाइट से डर लगता है. इसको ख्वाब को और लंच करते हुए ये बंदी 20 फुट नीचे गहरी खाई थी. उसमें ऐसे बैठ के आराम से खाना खा रही थी तब इसका डर कहाँ गया था? सिंपथी ले लेके कहाँ जाएगा? दीपेश क्या हुआ? मैं कोई सिग्नल या ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की और ना ही मुझे ये लोग झूठ बोले. कभी स्टैंड अप पूजा. स्टैंड अप चेक योर मार्क्स. देयर इज नथिंग. देयर इज नथिंग देयर. करेक्ट. या अंकित विशाखा स्टैंड अप. अब तीनों कपल के मार्क्स मेरे पास है. कबीर पूजा अंकित विशाखा दीपेश ख्वाब. दीपेश ख्वाब ये आपका स्कोर है और हमने 40 मार्क्स माइनस किया. इसका मतलब है कि आपके पास 40 मार्क्स होते तो आप टॉप पे होते. कबीर पूजा बहुत बढ़िया यार. अंकित विशाखा हम लोगों का असाइनमेंट था. मेरी गलती की वजह से हाँ हम लोगों ने उसमें अच्छा स्कोर नहीं किया बट हमने प्रूव किया आज कि जो हमारे बीच में इश्यूज थे वो इतने मेजर इश्यूज नहीं है कि हम उसको ओवरकम नहीं कर सकते. वी शोड आर इम्प्रूवमेंट इन टुडेज लव एग्जाम. कल इसने वापस आने के बाद मुझे सॉरी भी बोला और मुझे बोला कि मैं अगर वहाँ नहीं शाउट करता तो तुम्हें कोई और पॉइंट आउट करता और मुझे अंकित इज सेइंग सॉरी. उसने अपना प्रॉब्लम रियलाइज किया. यहाँ पे दोस्तों सिर्फ कभी कभी वो कोशिश करता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और वो शायद आप मिस्टेक कर सकते हो ये चीज़ को. ओके अंकित एंड विशाखा आज जजमेंट 9 पे आप लोग लोएस्ट स्कोरर्स हो बट एट द सेम टाइम इट इज़ गुड टू सी दैट आप लोग अपने प्रॉब्लम्स आप लोग अपने रिलेशनशिप के जो भी इश्यूज है वो धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं. विश यू द बेस्ट. Thank you.
for sharing your love and issues with us in Love School. This highly emotional elimination night marked an end to Ankit and Vishakha's journey in Love School. Magar apne beech ke kai issues resolve karke, this couple had really come a long way in their relationship. Dusri taraf, ek baar phir Khwab aur Dipesh ki honesty par sawal uth rahe the. Jab unhone mujhe ye bataya ki aap log ki footage mein ye aaya ki aap maine Khwab ko intimacy ke task mein hint dene ki koshish ki hai, to main bahut zyada shocked tha. क्योंकि एकदम से मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था. पैकिंग कर लो सारी, बिकॉज बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम लोग लो स्कोर हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, बट यहाँ पे मेरी डिग्निटी को हर्ट हुआ है. डिग्निटी को मेरी भी हर्ट हुआ है. आई एम दैट वन चिक जिसको झूठ से नफरत है और उसे झूठा बोला गया है, वो भी नेशनल टीवी पे. क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था इंटेंशनली. माइट मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे हाथ हिला नहीं होगा या मेरा पैर नहीं हिला होगा. आई एम नॉट डिनाइंग दिस. माइट भी मैंने हाथ रखा और मैं जब इसने मेरा हाथ पकड़ा हो तो मैंने हाथ हिलाया हो. इतनी तेज तेज तो लाउडली वो लोग रो रहे थे, चीख रहे थे. इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस वो लोग हमारे घर में देते हैं ना. हमको देख रहा है ना, क्यों रो रहा भाई? पहन लेते बाबा. क्यों रो रहा? Honestly please, I don't want you. Please, I want please leave me alone with my partner. अरे भैया stop. जजमेंट नाइट पे भी नहीं बोल पाया, टास्क में भी नहीं बोल पाया. इतना सा बंदर है, अब इसको फ्लश तो मैं करूंगा नहीं, जाके कहीं ना कहीं तो निकालूंगा ही. क्या चाहिए? अभिषेक शाउट नहीं करना प्लीज. कामली बात है अभिषेक, बहुत 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 सिंपल सी बात आता हूं. मुझे सुन ले, लिसन टू मी. मैं मेरी बात भी सुन ले, मेरी बात सुन ले. आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए. थैंक यू. अरे सुन ले, मैं जा रहा हूं यार. थैंक यू सो मच. मैंने उनको कह दिया. अच्छी बात है, ऐसे जा रहा है तो फेक मत बन, ये मत दिखा. मैं ख्वाब के लिए कर रहा हूं, मैं ख्वाब के लिए कर रहा हूं. हम भी अपने पार्टनर्स के लिए कर लेते हैं. और उन्हीं के प्रेशर में आके मैंने ये डिसीजन ले लिया था, यहाँ से क्विट कर दूंगा. बहुत गलत हुआ आज मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ. Stop crying यार. I know. I know.